कोलकाता रेप और मर्डर केस में ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आने से कई सवालों के जवाब मिल गए हैं। आज इस वीडियो में उन सवालों की बात करेंगे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इस ऑटोप्सी रिपोर्ट से कौन सी गुत्थियां सुलझ पाई हैं और ये भी बात करेंगे कि इस रेप और मर्डर की दरिंदगी के दो चेहरे तो अभी तक सामने आए हैं, लेकिन बाकी और कौन से चेहरे हैं जिनको लेकर अभी खुलासा नहीं हुआ है, इसमें कितने किरदार हैं, आज इसकी भी बात करेंगे। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सीधे सीधे सामने आया है कि पीड़िता के शरीर पर 16 जगह चोट के निशान मिले हैं। इसमें उसकी नाक, उसकी आंख, उसके चेहरे पर तो चोट के निशान है ही, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि प्राइवेट पार्ट्स में ब्लीडिंग है। और यह भी इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक से ज्यादा बार रेप किया गया, क्योंकि मल्टीपल पेनिट्रेशंस के भी निशान मिले हैं। इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में पीड़िता के नाखूनों में मांस और खून भी मिला है, जो कि उस संघर्ष से मिलता है जो संजय रॉय के शरीर पर निशान मिले हैं। अब इसका भी मिलान कराया जाएगा कि जो मांस और खून पीड़िता के नाखून से मिले वो संजय रॉय के हैं कि नहीं। दरिंदगी के दो चेहरे हैं, संजय रॉय और संदीप घोष। संजय रॉय, जिसे इस रेप मर्डर केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया, सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है, उससे कई घंटे की पूछताछ हुई, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ और अब पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना है। संजय रॉय से कई सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि जानने की कोशिश ये की जा रही है कि क्या संजय रॉय अकेला वो शख्स था जिसने इस रेप और हत्या को किया, क्योंकि ये बार बार सामने आ रहा है कि मल्टीपल रेप हुआ, क्या ये गैंग रेप था, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। संजय रॉय के साथ और कौन कौन लोग थे, संजय ने इतनी दरिंदगी से पीड़िता की हत्या क्यों की, क्या उसने पहले से पीड़िता को मारने की, हत्या की प्लानिंग करके रखी थी, और अगर ऐसी प्लानिंग थी तो उसके पीछे कारण क्या था, क्या पीड़िता कोई ऐसा राज जानती थी उस अस्पताल के बारे में और संजय रॉय के बारे में जो संजय नहीं चाहता था कि सामने आए। इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट में अब यह पता लगाने की कोशिश होगी कि संजय के मर्डर के पीछे आखिर मंशा क्या थी, संजय ने मर्डर क्यों किया, रेप क्यों किया। और यह सवाल इसलिए भी क्योंकि संजय के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, यह भी जानने की कोशिश सीबीआई अब करने वाली है। इस दरिंदगी का दूसरा चेहरा संदीप घोष है, यानी कि आरजीकर अस्पताल के एक्स प्रिंसिपल। संदीप घोष को सोशल सर्कल्स में बहुत पावरफुल माना गया, एक ऐसा डॉक्टर जिसे दो बार उनकी पोस्ट से हटाया गया, वापस उन्हें उसी पोस्ट पर लाना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद भी कोलकाता की सरकार उन्हें इस पद से हटाने के लिए तैयार नहीं थी। संदीप घोष से अब पूछताछ की जा रही है। संदीप घोष ने परिवार को समय रहते जानकारी क्यों नहीं दी, संदीप घोष ने एक अस्पताल की डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता हुई, उसे छुपाने की कोशिश क्यों की, इन सब सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। संदीप और संजय रॉय के बीच का कनेक्शन क्या है, क्या इन दोनों को पहले से यह जानकारी थी कि कुछ बड़ा राज पीड़िता जानती है जिसकी वजह से इस हत्या और रेप को अंजाम दिया गया, यह भी सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है। संदीप घोष पर शक इसलिए ज्यादा गहरा रहा है क्योंकि उसके फोन से डेटा डिलीट हुआ है। आखिर फोन में ऐसा क्या था जिसे डिलीट करने की जरूरत पड़ी, क्या ऐसी जानकारी थी जो कि पीड़िता की हत्या और रेप से जुड़ी हुई थी और इसीलिए डेटा डिलीट किया गया। यह डेटा डिलीट होना ही अपने आप में एक बड़ा शक पैदा करता है। न सिर्फ संदीप के फोन से डेटा डिलीट हुआ है, बल्कि पीड़िता की एक डायरी के बारे में भी जानकारी सामने आई। परिवार ने बताया कि पीड़िता को डायरी लिखने की आदत थी, उस डायरी को वो कभी पढ़ते नहीं थे, लेकिन उस डायरी में वो अक्सर हर चीज लिखा करती थी। अब उस डायरी को शव के पास ही बरामद किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस डायरी से कुछ पन्ने गायब थे और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से फाड़ कर अलग किया गया था। अब सवाल यह भी है कि उस डायरी के उस पन्ने में क्या था जिन्हें फाड़ा गया। एक तरफ संदीप घोष के फोन से डेटा डिलीट है, दूसरी तरफ पीड़िता की डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए हैं, इनमें ऐसा क्या राज था जिसे छुपाने की कोशिश की गई, ये भी उन पूछताछ का हिस्सा है जो संदीप घोष से की जा रही है और उस पॉलीग्राफ टेस्ट का भी हिस्सा होगी जो सीबीआई संजय रॉय के साथ करने वाली है। जो दरिंदगी पीड़िता के साथ हुई उसके बारे में अब उसका परिवार खुलकर बोल रहा है। परिवार में पिता की बात अगर आप सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है, इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? संदीप घोष, हाँ, पहले ही दिन आप उनसे मिले थे जिस दिन? नहीं नहीं, हमसे बात नहीं हुआ उसके, कोई बात नहीं। वो ना उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर विग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया, पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है या कुछ ऐसा बात? नहीं, वो ये सब नहीं बोलते थे, वो बापी को कोई टेंशन आए, बापी माँ को कोई टेंशन है, ये सब बात घर में कभी नहीं बोलते थे। आप लोग इनसाइडर की बात कर रहे हैं, वो किसके ऊपर आप लोगों का शक है? पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल को की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इस केस? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। एक परिवार जिसने अपनी बच्ची को खो दिया, पिता ऑन कैमरा कह रहे हैं कि उनकी बच्ची की हत्या के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। पिता ने बताया कि पहले जब उन्हें अस्पताल से फोन आया तो कहा गया कि बच्ची की तबीयत खराब है, उसके थोड़ी देर बाद फोन आया तो कहा गया बच्ची ने आत्महत्या कर ली है यानी सुइसाइड कर लिया है। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचे तो बच्ची की हालत देखकर ही उन्हें इस बात का अंदाजा हो रहा था कि बच्ची के साथ बर्बरता की गई और बच्ची की हत्या की गई। पिता का यह भी कहना है कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं। और वो ये बात इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरा का पूरा विभाग उनसे इस पूरे मामले को छुपाने में लगा हुआ था, उनकी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। जब वो इसकी जानकारी हासिल करना चाह रहे थे तो उस समय अस्पताल का प्रिंसिपल यानी संदीप घोष ये कहता है कि परिवार को अगर कोई जानकारी चाहिए तो अस्पताल बुला लो, हमारे पास जाने का समय नहीं है। अब इस तरह के बयानों से सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बच्ची को इतनी बर्बरता से खोया। लेकिन परिवार अब इस बात पर कायम है कि ये एक से ज्यादा व्यक्ति का काम है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए क्योंकि बहुत सी डिटेल्स ऐसी हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की गई। जल्दबाजी में उनकी बच्ची के शव का अंतिम संस्कार भी किया गया, ऐसा क्या था जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी? और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि दरिंदगी के दो चेहरे अभी सामने हैं, लेकिन क्या जो परिवार कह रहा है उसमें तथ्य है? क्या और भी चेहरे इस हत्या के पीछे हो सकते हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं, सामने नहीं आए? इस घटना के बाद मैंने आम लोगों से बात की है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके घर की बच्चियां भी, बेटियां भी, बहुएं भी काम करने के लिए बाहर जाती हैं, कई बार आधी रात में जाती हैं, आती हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा? आप लोग क्या सोचते हैं इस दरिंदगी की खबर के बाद? आपके क्या सुझाव हैं सरकार के लिए भी और सिस्टम के लिए भी? इस वीडियो पर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें।